अच्छा अब जल्दी जल्दी बताओ ये तीनों यहाँ से कब गायब होंगे? वरना मैं ऐसा गायब होगा आई स्वेयर ढूंढने पे भी नहीं मिलूंगा। क्योंकि शाम तक गायब हो जाएंगे पक्का। अच्छा अगर शाम होने से पहले मेरी जिंदगी का शामियाना उखड़ गया तो? चूचू ऐसे मत बोलो। ए विकी मुझे पता है कि तुम काफी डिस्टर्ब हो लेकिन हम तीनों तुम्हारे ब्रांचेस हैं और मेरा मशवरा ये है कि हम चारों को मिलकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहिए बिना लेडीज के। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। ए विकी घबराने का नहीं और डरने का भी नहीं। हाँ हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे क्योंकि मैं तो प्यार का पुजारी हूँ और मुझे सिर्फ प्यार करना आता है। ए विकी जिद छोड़ दे, चल प्राइवेट में मीटिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है जीनी जिया, तुम दोनों यहीं रुको। देखो तो सही है कहना क्या चाहते हैं। तीनों गेस्ट रूम में आओ। मोलोफी फॉलो मी। या बाय बाय। लेट मी टेल यू विकी, लाइफ एक बिजनेस की तरह है जहां हर कोई एक दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो तुम क्यों नहीं? मतलब ये कि तुम हम तीनों को क्यों गायब करना चाहते हो यार? जरा सोचो, हम चारों मिलके वो काम कर सकते जो तुम अकेले कभी नहीं कर सकते। मैंने तो सोच लिया। ही स्मार्ट। विदू, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसी क्या बात कर रहे चारों जन अंदर? अरे कहाँ जा रहे हो? सॉरी। सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। इनफैक्ट वो तीनों तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जब तक हमें इस समस्या का सोल्यूशन नहीं मिल जाता ना, उन्हें गेस्ट रूम में ही रहने दो। सोल्यूशन? हाँ, क्या है कि जिनी, उनके यहाँ रहने से हमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। फायदा? वो कैसे? मैं समझाता हूँ ना, क्या है कि जो कॉपी नंबर वन है ना, ही इज वर्कहोलिक, उसके लिए वर्क इज वर्शिप, तो वो विक्की बनके ऑफिस में काम करता रहेगा और ये विक्की घर में आराम करता रहेगा। नंबर टू जो है वो प्यार का पुजारी है, तो वो प्रिया के साथ हमेशा रोमांस करता रहेगा। कॉपी नंबर थ्री जो है वो यारों का यार है, दोस्ती का मारा है, तो वो विल्ला को अपनी दोस्ती में बिजी रखेगा, उसकी बेवकूफियों को हैंडल करता रहेगा। तो बचा मैं, मतलब विक्की, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। At your service. देखा दीदू, मैं कहती थी ना मेरे जूजू दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जूजू है। देख रही हूँ जीनू। बीमारी चावा, मेरे जूजू को किसी की नजर ना लगे। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या करना है? हाँ। तुम्हें इन तीनों को गायब नहीं करना है, इसी में हमारा फायदा है। जीजू आपको पता है आज ना मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि पहली बार मेरी क्रिएट की गई प्रॉब्लम की वजह से आप मुझसे नाराज नहीं बल्कि खुश हो। जीजू तो इसी खुशी के मौके पे चलो शादी करते। शादी? हाँ करते ना, पक्का करेंगे। बड़े धूमधाम से करेंगे। हाँ, पहली बार आपने मुझसे हाथ आया शादी करने के लिए। दीदू, मुझे चक्कर आ जाएगा, मुझे पकड़ लो। उत्तरी, ये मैंने क्या कह दिया? अबे ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। हाँ, विक्की कभी जीनी से शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा। विक्की, यही तेरा कैरेक्टर है। देखो इस कंगारू को, जरा सा भी चैन नहीं है, फुदक फुदक के यहाँ तक आ गया। बेवकूफ को पता नहीं दरवाजा बंद है। बेवकूफ कहीं का। इसे ये पता नहीं कि यहाँ से भागना मुश्किल नहीं, ना मुमकिन है। हाँ आज दूध का दूध पानी का पानी हो जावे। आओ पी लिया।
देखिए चतुर जी, आप कह तो रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यकीन हो जाएंगे जब आप तीन दिन भिक्के बाबू को अपना दो आंखों से एक साथ देखेंगे। मेरी भी तो कोई जरूर। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं प्रिया, कल पूरी रात विक्की मेरे साथ था। हमने बहुत सारे गाने गाए, वीडियो गेम खेले और रोला पा दिया रोला। रमेश बेला, मैं कह रही हूँ कि विक्की मेरे साथ था। एक आपके साथ था, एक आपके साथ भी थे, किंतु एक विक्की किसी और के साथ भी होंगे। वही तो हम कह रहा है कि विक्की तीन तीन ठो है। शादी के लिए कितनी सारी साड़ियाँ खरीदी है। लगता है कोई आ गया है, तुम दोनों जाओ ना। हाँ जीजू, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना और मुझे ना शादी के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। बाय। चलो। जीनू, ये तेरा जूजू अचानक इन तीनों कॉपीज को यहाँ पर रोकने की बात कर रहा है, तुझे ये बात अजीब नहीं लग रही? अरे हाँ दीदू, आपकी बात तो एकदम सही है। वही तो मैं सोचूं, जूजू ने अचानक शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? और पता है, जूजू को जादू से और जादू से जुड़ी हुई हर चीज से बहुत चिढ़ है और वो अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल भी नहीं करते। वही तो। आइला, शादी के नाम से बावली हो गई। All is not well, all is not well. अरे दर्जा खोलता क्यों नहीं है बुका? प्रिया, तुम ट्राई करो, शायद तुम्हारा बेल पहचान ले। ओके। कुछ नहीं होगा, बेल से कुछ नहीं होगा। यार देखे, दरवाजा खोले। अरे इधर बेल है, क्या? ऐसे नहीं सुनता है वो। अरे दर्जा पीटने से खोल देगा, खोल दिया मायरी। किधर है? किधर है? ए, किधर है वो दोनों? अरे कौन दोनों? कौन दोनों? एक अच्छा आप भी क्या भी दूध का दूध पानी का पानी कर बो। किधर है? कंफ्यूजन फैला रखा चतुर जी ने। भाई तुम इन लोगों को बताओ कि कल रात को तुम मेरे साथ थे। मेरी भाई बताओ इसे कि कल रात तुम मेरे साथ थे। अरे क्या बकवास कर रहे तुम दोनों, ना मैं तुम्हारे साथ था ना तुम्हारे साथ था। हाँ? मैं तो बॉस के साथ था। हाँ डिनर मीटिंग के लिए गया था। जो मैं बोला वही है। अंदर अंदर गेस्ट रूम में एक नहीं दो नहीं तीन तीन टॉपिक किया थे। ओ नो दीदू, पकड़े गए। मैं गेस्ट रूम में जाती हूँ, आप यहाँ का मोर्चा संभाल लीजिए। ओके ओके बाय। आए माने चार चार बिक्की बाबू हो गए। आप क्या कह रहे हैं चतुर जी? दीदी जो देखा वही कह रहे हैं, आप भी चल के देख लीजिए। चलिए देख ही लेते हैं। चल भाई चल देख ही लेते हैं। आफ्टर यू ओके। ये जूजू तो यहाँ बंधे हुए। मतलब दीदू जो सोच रही थी बिल्कुल सही सोच रही थी, इसका मतलब जो बाहर थे वो जूजू नहीं थे, उनका डुप्लीकेट था। उसको तो मैं बाद में देख लूंगी, फिलहाल सबको जूजू के रूम में भेज दी। आइए खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। ना अभी छुट्टी बोलती, मैंने अपनी आंखों से देखा था यहाँ पे। चतुर जी, दिस इज टू मच। नॉट टू मच, थ्री मच। तीन तीन बिक्की को अपने आंखों से देखा मैंने। भाई दीदू आपको पता है ये जूजू नहीं बल्कि जूजू की कॉपी नंबर 1 है। उत्री, ये चक्कर क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो एक काम करते, इसे बेडरूम में भेजते और ओरिजिनल जूजू को यहाँ लाते। ओके ओके। ओ मेरे जूजू, खोल ना। हाँ हाँ। क्या है? फ्री हो गया तू? तीन दिन देखिए किधर है? आई हम बोला इधर तीन दिन तो था, हमने आपको तो देखा मायरे। तो फिर कहाँ गए? I don't know दीदी, देखो जब मैं
अंदर आया था आपको उधर हॉल में बता के तब तीन तीन टॉपिक किए थे भाई। दादा somebody is playing games with me, ये देखो ये कौन है पीछे भाई रे। ये चतुर जी का ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। हाँ दीदू, हमेशा आ जाते और अपने दांत दिखाते। गुड़बुड़ गुड़बुड़ बदल दे सारा केस। चतुर जी को देखे अब सबके तीन तीन फेस। कोई हमारा बात पे एक चीज नहीं करता। तो तीन तीन टॉपिक के बाबू हमारे सामने बोलो। ये आपको तीन तीन दिखाई दे रहे हैं चतुर जी। अरे तीन है तो तीन ही नजर आई बे माने। अरे तीते आप तुम दोनों मिलके छे छे दिख रहा है। दीदू चलो अब बहुत हो गया, चतुर जी को नॉर्मल कर देते। मेरी जूजू है ना वो सब संभालेंगे। इतना मजा आ रहा था। अच्छा ठीक है, हो गया आपका चतुर जी, हो गया आपका। और आओ इनकी बातों में। अब सुनो, थोड़ी देर पहले मैं इन्हें अंदर तीन तीन दिख रहा था। हाँ, अभी हम तीनों यहाँ पर इनको नौ दिख रहे हैं। What is this? एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। घर जाके करना कैलकुलेशन। और बेबी जरा एक मिनट हटो, तूने क्या लगा रखा है? परफ्यूम। अच्छा है ना। बेवकूफ कहीं के, मेरी बेबी को तू बेवकूफ बना रहा है? ये कह रहा है कि कल रात मैं तेरे साथ था। अरे कल रात तो मैं बेबी के साथ था। हाँ, तू स्वीटी भाई के साथ था। हाँ, यहाँ तक कि आज सुबह भी तू स्वीटी भाई के साथ ही था। Now we are on the same page. सुबह बेबी को मैं जा करके पिकअप किया, फिर उसके बाद मैंने ऑफिस ड्रॉप किया, समझा तू? है ना प्रिया? हाँ स्वीटी भाई, and I'm so sorry कि मैं बार-बार चतुर जी की बातों में आ जाती हूँ। Baby, what is this? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट हो, आज की मॉडर्न लड़की हो, उसके बावजूद तुम ऐसे जाहिल आदमी की बातों में आ जाती हो। What is जाहिल? जाहिल मतलब अनपढ़, गवार, जंगली। है ताई तो। हम तुमको अनपढ़ दिखता है, गवार दिखता है मेरी। या। Hey Jay, let me give you my biodata. I am double MA in Bengali literature, बोलो। On top of that, I am diploma holder in Ghostbusters by correspondent. अच्छा, फेंकता है। आज तुम हमको जलील बोला? मैंने अभी तक आपको जलील नहीं कहा। तब क्या है? जाहिल कहा। हाँ वही, हम वो नहीं है। तू क्या बोली? कौन है? हाँ हाँ बोलता हूँ। क्या बोली? मच्छी फ्राई हो गई। मेरी पाय। बेबे। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार किसी की बातों में नहीं आऊंगी। ओके। अच्छा सुनो, मुझे निकलना होगा, मेरे डैड के साथ डिनर मीटिंग है, तुम भी चलो ना। नहीं बेबी, तुम जाओ। आई नीड सम रेस्ट। ओके, तुम आराम करो। बाय स्वीटी पाई। बाय बेबी। बाय बेला। बाय। जस्ट ड्रॉप कर। यस बेबी, कुछ अनाप शनाप मत खा लेना। ओके बाय बाय। क्या भाई, क्या क्या ये चक्कर क्या है? रात को तो मेरे साथ था यार, भूल गया? तूने मेरे लिए गाना भी गाया था। तेरा मुझसे है पहले, भूल गया? मैं तेरे लिए गाना गा रहा था। तेरा दिमाग खराब है? रेखा जूजू, आपकी जीन ने पूरी बाजी पलट दी। Okay.
और मैंने कोई जादू भी नहीं किया। अरे रिकी, ये तीनों कौन थे यार? मतलब क्यों थे? मतलब तू यहाँ है तो ये तीनों कौन थे? क्या है विल्ला कि ये तीनों के तीन है ना तेरे लिए बने थे। के? हाँ, कि फ्यूचर में भी अगर तू इसी तरह बेवकूफों वाला सवाल मुझसे पूछता रहे ना तो इन तीनों को तेरे पीछे छोड़ दूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन ये तीनों थे कौन? बहुत लंबी कहानी है दोस्त, फुर्सत में कभी तुझे सुनाऊंगा जिस दिन मैं रात तेरे यहाँ गुजारूंगा। लेकिन ये थे कौन? यहाँ बाद में बता दूँ। बता तुझे। सीता गीता। हाँ कहूँ मेरे प्राणनाथ। अब तक के तुम दोनों ने मुझ पर बहुत एहसान किए, एक एहसान और कर दो मुझ पर, मुझे हिमालय भेज दो। अब सच कह रहा हूँ, इस संसार से मैं बहुत पक गया हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ, मुझे सन्यासी बना दो प्लीज। तुम तीनों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, प्लीज सेंड मी। क्या बोलती हो दीदू? हो जाए, हो जाए। ओके, जो हुक्म मेरे आका। गया क्या? अरे अरे बुला लो, बुला लो बेचारे को, वापस बुला लो, बेकार में सर्दी जुकाम हो जाएगा, प्लीज। हाँ बुला लो। ओके हिमालय में कैसा लग रहा था? ठीक है भाई, तू चुप। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.